मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, रैपर, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सॉन्ग्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो स्पॉटिफाई और बाकी ऐप्स पे, बट मुझे नहीं पता है कि ये कैसे होगा। मैं एक रैपर और मैं चाहता हूँ कि फास्ट रैप करूँ, बट टेक्निकल स्किल्स क्या चाहिए इसके लिए मुझे नहीं पता है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक लेबल मुझे साइन करे, तो लेबल कौन कौन से फैक्टर्स देखता है। तो गाइज, अगर आपके पास भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज के Q&A सेशन में मैं देने वाला हूँ आपके इन सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई। इट्स योर बॉय सुल्तान एंड यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो गाइस, आज के Q&A सेशन के लिए मेरे पास आए हैं लास्ट दो दिनों में तकरीबन 115 क्वेश्चंस, जो कि रिलेटेड है सॉन्ग राइटिंग को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, इक्विपमेंट्स को लेकर, प्रमोशंस एंड मार्केटिंग को लेकर, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस की आंसर इसमें आपको दे पाऊँ। अगर मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ इसमें, तो मैं आपको पर्सनली आपको टेक्स्ट रिप्लाई करके आपको सारे आंसर दूंगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया फ्रॉम आर्यन गुप्ता। इनका क्वेश्चन है, सर एज वी ऑल नो दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड पिच इन सिंगिंग एंड इट्स आल्सो देयर इन रैपिंग, सो हाउ कैन आई मैच माय पिच टू द बीट। सो गाइस, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पिच क्या होता है। जब भी आप कोई सॉन्ग गाते हैं, तो आपके सॉन्ग जब आप गाते हो, तो एक साउंड निकलती है जो कि वाइब्रेट होती है। अब अगर ये वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है, तो उसे हाई पिच कहा जाता है, और अगर कम निकल रही है, कम वाइब्रेशंस हो रही है, तो उसे लो पिच कहा जाता है। सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ, तो ऊंचे स्केल और नीचे स्केल्स, पिच का बेसिकली रिलेशन है आपके कीज से आपके स्केल के। जो गाने ऊंचे गाए जाते हैं, ऊंची स्केल पे गाए जाते हैं, उन्हें हाई पिच सॉन्ग कहा जाता है। जो नीचे के स्केल पे गाने गाए जाते हैं, उन्हें लो पिच सॉन्ग कहा जाता है। अब ये कहाँ डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपकी कॉम्पोजिशन पे और आपके इंस्ट्रूमेंट पे, जो आपकी बीट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो गाइस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट का एक अलग कॉम्पोजिशन होता है, और आप जो परफॉर्म कर रहे हैं रैप सॉन्ग या फिर जो भी आपका गाना है, उसकी एक अलग कॉम्पोजिशन होती है। परफेक्ट मैच तभी होता है जब ये दोनों के दोनों परफेक्टली इन सिंक आप परफॉर्म करते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि आपके इंस्ट्रूमेंट की पिच क्या है, आपने जो कंपोज किया है सॉन्ग, जो आप फिर रैप का आपकी जो मेलोडी है, वो क्या उस इंस्ट्रूमेंट की मेलोडी के साथ मैच कर रही है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें परफेक्टली मैच हो जाती है, तो फिर आपका सॉन्ग प्रॉपरली इन सिंक होता है मेलोडी वाइज, पिच वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, वो है सवराज का। ये पूछता है, व्हाई रैपर्स वेयर लूज क्लोथ्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैपर एंड एमसी। रैपर अपने लूज क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? इसका डिटेल में मैंने आंसर दे रखा है अपनी स्टार्टिंग के हिप हॉप डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। सो बेसिकली, जैसे मैं आपको पहले ही बोला है कि US से स्टार्ट हुआ था, ब्रॉन्क्स शहर है न्यूयॉर्क में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था हिप हॉप। तो उस टाइम रिसेशन के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जितने भी यूथ थे, उनको जेल में डाला जा रहा था, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़, आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़, जहाँ पे वो बिज़ी रहते थे, क्रिएटिवली बिज़ी रहते थे, वो चीज़ें बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने आफ्टर रिसेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने बजट्स नहीं थे कि उनकी सिंगिंग, म्यूज़िकल क्लासेस, डांस क्लासेस, इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट स्पेंड कर पाए। तो ये लोग स्कूल के बाद, जो स्टूडेंट्स थे, वो स्कूल के बाद फ्री हो गए, क्योंकि अभी क्लासेस नहीं चल रही थी, कम्युनिटी सेंटर्स नहीं चल रहे थे। तो क्रिएटिव टाइम उनका कहीं ना कहीं, जो उनकी क्रिएटिव एनर्जीज थी, वो यूज़ नहीं हो पा रही थी। तो वो कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ, उनका बेंट ऑफ माइंड जो था, वो क्राइम की तरफ जा रहे थे, वो क्रिमिनल बन रहे थे। और होता क्या था कि जब इन्हें डाला जाता था जेलों के अंदर, तो जेलों में स्टैंडर्ड सेट, आपको पता है कि यूनिफॉर्म जो मिलती है जेल की, वो बहुत स्टैंडर्ड सेट होती है, और उसमें मैक्सिमम ये लोग जो थे, ये यूथ थे, 17, 18, 16, 19 साल के बच्चे थे, और इनको जब वो कपड़े पहनाए जाते थे, जो स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म होती थी, वो काफ़ी ढीले ढीले होते थे, इनको परफेक्टली वो फिट नहीं आते थे। अब जब ये लोग जेल से बाहर निकल के आए, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो टाइम जेल में स्पेंड किया अपना, तो इनको कहीं ना कहीं वो क्लोथिंग जो इनको जेल में मिली खुले कपड़े पहनने की, तो वहाँ से ये रिप्रेजेंट करने लगे कि यस, हम खुले कपड़े पहनेंगे। कहीं ना कहीं ये उनकी रूट्स, जो जेल में उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है, ये उसको मेमोराइज करती है, ये उसके साथ कनेक्टेड है। इसलिए ये लोग जितने भी, अगर आप देखो 80s, 90s के हिप हॉप आर्टिस्ट, तो ये हमेशा शुरू से ही XL, डबल XL क्लोथिंग पहनते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैपर और एमसी में क्या डिफरेंस है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एमसी बेसिकली होता है, एमसी हम लिखते एमसी है, बट इसे अगर आप प्रॉपरली, अगर आप इसे लिखें, तो ये लिखा जाता है EMCEE, तो इसको हम बोलते हैं एमसी शॉर्ट फॉर्म में। एमसी का काम होता है एक पार्टी या एक क्लब में जो गैदरिंग है, जो भी वहाँ पे एक्टिविटी चल रही है, डांस हो सकता है वहाँ पे, कोई किसी तरह का वहाँ पे आपके रैप बैटलिंग हो सकती है, तो एमसी का काम होता है इन सब जो क्राउड है, उनको एंटरटेन करना, उनको कंट्रोल करना, और उनको अपने हिसाब से डायरेक्शन देना कि अब क्या करना है आप लोगों ने।
यहीं पे बात करते हैं रैपर्स की, तो रैपर्स बेसिकली वो आर्टिस्ट होते हैं जो अपने सॉन्ग्स खुद लिखते हैं, जो लिरिकली काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड होते हैं और डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिरिसिज्म, जिसमें कि मैं वर्ड प्लेज, मेटाफर, पंच लाइन, सिमिलीज, इन सब चीज़ों को यूज़ करके एक प्रॉपर सॉन्ग बनाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एन एमसी एंड एन रैपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है बाय पयाम ऑफिशियल्स, ये पूछते हैं हाउ टू अर्न सो मच टू बी सेट और हाउ टू ज्वाइन ए म्यूजिक लेबल। सो गाइस, म्यूजिक लेबल, अगर आपका ड्रीम भी है कि आपको एक म्यूजिक लेबल से कोई डील मिल जाए, आप किसी बड़े लेबल के साथ साइन हो जाए, तो आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है कि आपका जो कंटेंट जो आप बना रहे हैं बहुत क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक लेबल का फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है वो क्वालिटी होती है, कंटेंट की क्वालिटी। सेकंड, आपको अपना फैन बेस ग्रो करते रहना ज़रूरी है। जितने भी आप बड़े आर्टिस्टों की बात करो जो आज म्यूज़िक लेबल्स पे साइन है, वो ये दोनों ही फैक्टर्स को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करते हैं। उनका फैन बेस बहुत बड़ा होता है और साथ ही साथ उनका कंटेंट बहुत शानदार होता है, उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा क्वालिटी सेंट्रिक कंटेंट होता है उनका। अब ये दोनों चीज़ें क्यों चाहिए? जब भी आप एक लेबल के साथ साइन होते हो तो लेबल आपके पीछे, आपके ऊपर काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स करता है, काफ़ी टाइम, अपना नेटवर्क, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्ट करता है। और हर लेबल चाहता है कि जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस आर्टिस्ट से वो कहीं ना कहीं रिकवर हो सके उसके गानों से और उसकी परफॉर्मेंस से। और उसका इसलिए यहाँ पर, क्योंकि अगर आपके पास फैन बेस ही नहीं होंगे तो आपकी ऑडियंस ही नहीं होगी, अगर आपकी ऑडियंस ही नहीं होगी तो आपको स्ट्रीम और यूट्यूब के थ्रू पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आपको अपने फैन बेस पे काम करना है, साथ ही साथ आपको काम करना अपने क्वालिटी कंटेंट। आई होप दैट यू गाइस आर क्लियर नाउ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बाय गौरव सिंह, ये पूछते हैं माय क्वेश्चन इज दैट आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली बट आई वांट टू बिकम अ रैपर बट माय फाइनेंशियल सिचुएशन इज वेरी बैड एंड आई कांट प्ले फॉर स्टूडियो, प्लीज रिप्लाई टू मी इन योर क्यू एंड ए वीडियो। सो गौरव, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड के जितने भी बड़े रैपर्स हुए हैं, हिप हॉप की सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि ये सिर्फ आपकी स्किल, आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वर्ल्ड के जितने भी बड़े रैपर्स हुए हैं, आप चलो वर्ल्ड का भी छोड़ो, इंडिया के जितने भी बड़े रैपर्स हुए अगर आप देखो तो वो सारे के सारे मिडिल क्लास फैमिली से ही आए हैं। बादशाह की स्टोरी आपको पता है, आपको इक्का की स्टोरी पता है, लिल गोलो की आपको स्टोरी पता है, जितने भी आप रैपर्स देखे, डिवाइन की स्टोरी आपको पता है, एमवी बंटे की स्टोरी आपको पता है, जितने भी बड़े रैपर्स की आप बात करते हो ये सारे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से ही आए हैं। तो प्लीज़ आप ये मेंटल ब्लॉक अपने दिमाग से निकाल लें कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप एक रैपर, एक सुपरस्टार नहीं बन सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास टैलेंट्स है और आप मोटिवेटेड है, आपका पैशन बहुत क्लियर है, आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो आप 110% एक सक्सेसफुल रैपर, सुपरस्टार बन सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय कार्तिक, ये पूछते हैं भैया प्लीज़ 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 इतने सारे प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन हाउ म्यूजिक बिजनेस रन एंड हाउ मेनी वेज एन आर्टिस्ट कैन अर्न। म्यूजिक बिजनेस बहुत सिंपली अगर मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके थ्रू एक आर्टिस्ट या फिर एक लेबल या फिर म्यूजिक बिजनेस को रन किया जाता है। स्ट्रीमिंग से रेवेन्यू आता है, यूट्यूब से रेवेन्यू आता है, एंडोर्समेंट डील्स होती है जिनके थ्रू रेवेन्यू आता है, जो ब्रांड्स आपको अपने हिसाब से सॉन्ग बनाते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी होती है। लाइव शोज जो आप करते हैं उसके थ्रू आता है। मर्चेंडाइज आप जो बनाते हैं किसी आर्टिस्ट के लिए या किसी एल्बम के लिए, उसको सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं। ये रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए या फिर किसी भी लेवल के लिए। आजकल और भी ज़्यादा रेवेन्यू मॉडल्स आ गए, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी टाइम से मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की सोच भी रहा था। गुड पॉइंट कि आपने मेरे को ये पॉइंट यहाँ पर याद दिला दिया, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सलमा सुल्ताना ये पूछती है एनी वन कैन राइट लिरिक्स बट हाउ टू मेक इट बहुत हार्ड। बहुत हार्ड क्या होता है यार? बहुत हार्ड वो होता है जिसमें पंच हार्ड हो। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस ऑन क्रिएटिविटी, अपनी स्टोरी टेलिंग जो आप अपने रैप के थ्रू करना चाहते हैं। हर कोई अपनी हसल की बात कर रहा है, हर कोई ये बात कर रहा है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हर कोई अपने प्यार के बारे में बात कर रहा है। बट एक रैपर दूसरे रैपर से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उनकी स्टोरीज अलग है। अगर आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप स्किल्ड है और आप पंचेस, बेसिकली पंच लाइन्स, मेटाफर्स, सिमिलीज, वर्ड प्लेस, अगर आप इन सब चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो आपका सॉन्ग बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है दोस्त। तो आप ये करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय अल्फा बॉय रैपिंग, ये पूछते हैं ब्रो बट देर इज रिटन दिस बीट कैन बी यूज कमर्शियली एंड नॉन कमर्शियल पर्पस, देर इज नॉट रिटन बीट इज फ्री टू मोनेटाइज। मोनेटाइज का मतलब ही यहाँ पर कमर्शियल यूज़ है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको मिलेंगे जो कि ये कहते हैं कि हमारी बीट फ्री है, आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। बटन का मतलब यहाँ पर यह है कि आप इस बीट में फ्री में गाना बना सकते हैं, अपने परिवार वालों को गाना सुना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को सुना सकते हैं। आप
अपने घर की किसी पार्टी में परफॉर्म कर सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस में इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप इसे यूट्यूब पे भी डालते हैं तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, और वो बीट के ऊपर जो भी जो आपने वो गाना बनाया उसके ऊपर जितने भी व्यूज़ आएंगे ये सारे व्यूज़ मोनेटाइज किए जाएंगे उस चैनल से जिस चैनल ने एक्चुअली ये बीट अपलोड किया, वो आपको क्लेम करके ये सारी बीट से मोनेटाइजेशन ले लेगा। दूसरी चीज़, इसमें आप अपने जो आपने सॉन्ग बनाए हैं किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को सर्विस नहीं कर सकते हैं। सावन, स्पॉटिफाई, गाना, आप इनको गाना नहीं भेज सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये इल्लीगल है, तो ये स्कैम चल रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से आप हाई क्वालिटी बीट्स ले सकते हैं जो मोनेटाइज आप कर सकते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक उस पर नहीं आएगा आपको, और क्वालिटी बीट्स की बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप मेरी वो वीडियो जाकर जरूर देख सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय निर्जॉय गोयरी। ये पूछते हैं, सर हु इज़ योर फेवरेट हॉलीवुड रैपर, लव यू फ्रॉम असम। असम से मुझे भी बहुत प्यार है, मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो असम से बिलोंग करते हैं। असम मेरा आने का बहुत मन है, मैं 100% असम आने वाला हूँ। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हु इज़ योर फेवरेट हॉलीवुड रैपर, नंबर वन, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से तो आपको पता है मैं लिल वैन का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। लिल वैन मुझे काफ़ी पसंद है, लिल वैन के अलावा मुझे ड्रेक काफ़ी पसंद है। तो ये दो रैपर्स हैं बेसिकली जो कहीं ना कहीं मेरे लिए इंस्पिरेशन है या फिर रोल मॉडल्स है अगर हम बात करते हैं हॉलीवुड रैपर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय बॉस म्यूजिक। ये पूछते हैं, हाउ टू राइट वेरी डीप लिरिक्स, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, आई एम योर बिग फैन। सो बॉस म्यूजिक, लिरिक्स तब डीप होते हैं जब आपकी स्टोरी डीप हो। आप सॉन्ग में वो लिखिए जो आपने रियलिटी में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है, अगर वो एक्सपीरियंस डीप है तो ऑटोमेटिकली जब आप वो गाना लिखने बैठेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको जो वर्ड्स मिलेंगे वो भी इसी हिसाब से मिलेंगे कि वो डीप साउंड करेगा। आपकी स्टोरीज, हिप हॉप में सिर्फ स्टोरीज चलती हैं यार, अगर आपके पास स्टोरीज हैं, डीप सॉन्ग्स आप तभी लिख सकते हैं जब आपके पास डीप स्टोरीज है, जो आपने इनकाउंटर किया है, जो आपने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, वो एक्सपीरियंस आप लिखिए प्रॉपरली, वहाँ पे उसको वर्ड प्लेस, मेटाफर, सिमिलीज के साथ यूज़ करते हुए लिखिए, तो 100% आपके सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा डीप बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय वैभव राजपुरोहित। ये पूछते हैं, आउट ऑफ इंडिया वाई द रैपर यूज निगा वर्ड इन द रैप। ओके, इंडिया से बाहर लोग निगा वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? ओके, निगा का मतलब बेसिकली होता है निगर। निगर होते हैं जो ब्लैक कम्युनिटी होती है, जो ब्लैक पीपल होते हैं, उन्हें कहा जाता है निगर्स। अब निगा वर्ड बेसिकली एक भाईचारे में भी बोला जा सकता है, व्हाट्सअप में निगा, इसका मतलब यह है कि आप फ्रेंडली जेस्चर में बोल रहे हैं किसी फ्रेंड को अपने निगा, और साथ ही साथ ये एक स्लैंग भी है जिसका बहुत ही एक्सप्लिसिट मतलब होता है। बेसिकली आप किसी ब्लैक पर्सन को आप टॉन्ट कर रहे हो, आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उसे निगा बोल के। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप चलो बाहर वर्क कर रहे हैं, बट हमें इंडिया में ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेसिज्म के खिलाफ तो मैं कहीं ना कहीं हूँ, मेरे को रेसिज्म, मुझे पता है कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक मेरा आंसर क्लियर कर देगा आपके सारे डाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय कीर्तन ब्रैगमी। ये पूछते हैं, आई शुड अपग्रेड माई माइक और कैमरा फॉर रैपिंग, लव फ्रॉम नेपाल। नेपाल अगेन ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल कंट्री। अगर आपको रैपर बनना है तो आपको अपना कैमरा क्यों अपग्रेड करना है? कैमरा का पर्पस कुछ और होता है, माइक का पर्पस कुछ और होता है। अगर आप रैपर हैं तो आपको अपना माइक अपग्रेड करना चाहिए। कैमरा तो आप वीडियो शूट करने के लिए, फोटो और स्टिल्स लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट यस, आई विल डेफिनेटली आस्क यू टू अपग्रेड योर माइक फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय यंग म्यूजिक। ये पूछते हैं, हाउ टू इम्प्रूव टेक्निकलिटीज। टेक्निकलिटीज क्या होती है? टेक्निकलिटीज में बहुत सारी चीज़ें, फ्लो, वर्ड प्ले, मेटाफर्स, सिमिलीज, पंच लाइन्स, डिलीवरी। अगर आपकी सारी चीज़ें सॉर्टेड है तो आपकी टेक्निकलिटीज, आपकी सारी चीज़ें सॉर्टेड है, आपका गाना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैभव राजपुरोहित, इन इंडस्ट्री रैपर्स लाइक बादशाह, रफ्तार, हनी सिंह, सम टाइम दे रैप इन पंजाबी, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट व्हेन वी गेट लेबल वी हैव टू रैप इन पंजाबी। नहीं ब्रो, आपने आपका क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं आपको बैकग्राउंड नहीं पता है। बादशाह के पेरेंट पंजाबी, रफ्तार पंजाबी नहीं है, बट उसका स्टार्टिंग से अगर आप देखो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली है, तो यहाँ पर कम्युनिटी वाइज पंजाबियों का काफ़ी ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस रहता है, इसलिए वो पंजाबी में करते हैं। ही डज वेरी गुड पंजाबी रैप। और अगर आप बात करो हनी सिंह की, तो वो भी पंजाबी है, वो पंजाबी है और कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो पंजाबी में रैप करते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़, इंडिया में हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर म्यूज़िक का लैंग्वेज है वो पंजाबी है, इसलिए लोग पंजाबी में रैप करते हैं, क्योंकि ऑडियंस वहाँ पर है। बॉलीवुड मूवी कोई ऐसी बताएं, एक बड़ी मूवी जिसमें पंजाबी गाना ना हो,
बॉलीवुड की हिंदी मूवीज़ में भी पंजाबी गाना आपको चाहिए हो, एक ऐसी मूवी जो कि जिसका बैकग्राउंड गुजराती का है या फिर जिसका बैकग्राउंड साउथ इंडियन है, उसमें भी आपको एक पंजाबी गाना मिल जाएगा। तो बेसिकली डिनोट करता है कि कितने सारे, कितनी बड़ी कम्युनिटी है और कितने सारे फैंस हैं पंजाबी म्यूज़िक के, इसलिए ये सारे लोग पंजाबी म्यूज़िक के हिसाब से गाना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाय सुब्रता दास, सर व्हाट इज़ चॉपी फ्लो एंड रैप एंड हाउ टू गेट इट देन एंड कैन यू टेल मी अबाउट सम स्किल्स ऑफ डिफरेंट फ्लोज। चॉपी फ्लो क्या होता है? तेरे घर मैंने आना, ओके सिंपल, तेरे घर मैंने आना। बीट टू बीट अगर आप चलते हो, हर एक बीट पे अगर आप अपने फ्लो को तोड़ते हो, चॉपी कर देते हो, वो सिंपली चॉपी फ्लो है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें डिफरेंट फ्लोज़ क्या होते हैं, डिफरेंट बहुत तरह के फ्लोज है यार, 50 से 100 तरह के फ्लोज हैं, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ। आई थिंक चॉपी फ्लो वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांजल म्यूजिक, हाउ टू गेट ब्रीथ कंट्रोल ऑन फास्ट वर्सेस। सिंपल, अगर आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी वर्ड लिमिट नॉर्मली बैलेंस्ड रखोगे, पहली लाइन में अगर 5 वर्ड है तो दूसरी लाइन में भी 5 वर्ड होने चाहिए, तीसरी लाइन में भी 5 या 6 होने चाहिए, चौथी लाइन में 5 या 6 वर्ड होने चाहिए। अगर आप इसे बैलेंस प्रॉपरली करते हो, सिलेबल्स एक जैसे साउंड कर रहे हैं, तो आपको फ्लो करने में दिक्कत नहीं होगी। कोई भी ऐसा सॉन्ग उठाओ जो कि फास्ट फ्लो पे है, उसका स्ट्रक्चर चेक करो, उसका राइमिंग स्ट्रक्चर चेक करो कि लाइनें कैसे ब्रेक की गई है, किस तरह के सिलेबल्स यूज़ किए गए हैं, एंड नोट्स कैसे ख़त्म किए गए हैं, तो ईजिली आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने लिखा उसे सॉर्टेड है। लिखाई अगर आपकी सॉर्टेड तो आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने लिखा गया तो आपको स्लो सॉन्ग में भी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय तुषार शर्मा, ये पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंबल एंड लिरिकल रैप। मंबल रैप वो है जो यूएसए स्टार्ट हुआ था, इसमें बेसिकली जो आर्टिस्ट होता है वो ज़्यादा फोकस करता है अपनी मेलोडी पे, और जो लिरिकल रैपर होते हैं यहाँ पर मेलोडी से ज़्यादा वो फोकस करते हैं अपने कंटेंट पे, अपनी सॉन्ग राइटिंग पे, और टेक्निकलिटीज़ जो हमने पहले भी बताई है, मेटाफर, सिमिलीज, वर्ड प्लेज, पंच लाइन्स, इन पे, और मंबल रैपर फोकस मोर ऑन देयर मेलोडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय एमसी डेविड, ये पूछते हैं सुल्तान नेशन, सॉरी वंस अगेन, हाउ टू राइट गैंगस्टर रैप एंड हाउ टू मेक बीट लाइक 90s हिप हॉप इन एफएल स्टूडियो। व्हाई टू राइट गैंगस्टर रैप? अगर आप गैंगस्टर नहीं है तो गैंगस्टर रैप क्यों लिखना है दोस्त? आप वो लिखो जो आप हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अपने बारे में लिखो, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो उसके बारे में लिखो, अगर आप प्यार में हो तो प्यार के बारे में लिखो, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है तो स्ट्रगल के बारे में लिखो, अगर आप गैंगस्टर नहीं हो तो गैंगस्टर मत बनो, राइट? सो गाइज, बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लग रही है और अगर आपको लग रहा है कि इनसाइट्स काफ़ी आपको हेल्प करने वाली, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बाय क्रेजी ड्यू, क्रेज ड्यू, ये पूछते हैं कुछ आर्टिस्ट अपने सॉन्ग टाइटल में एक्सप्लिसिट लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? एक्सप्लिसिट का मतलब सिंपल, 14, 16 या 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए है गाना, उनसे छोटी उम्र के लोगों के लिए नहीं है। तो इसमें कुछ ऐसा है गाने में जो कि वल्गर हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट रिलेटेड हो सकता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो कि किसी बच्चे को सुनने के लिए ठीक नहीं है, रिकमेंड नहीं करती है गवर्नमेंट, सेंसर कर रखा है, इसलिए उसको एक्सप्लिसिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय वैभव राजपुरोहित, व्हाट इज़ ज्यूक बॉक्स? ज्यूक बॉक्स बेसिकली एक मशीन होती है जिसके अंदर डिसऑर्डर्ड वे में सॉन्ग्स को रखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ज्यूक का मतलब होता है डिसऑर्डर्ड मैनर, तो उसमें बहुत ही डिसऑर्डर्ड वे से सॉन्ग्स को कलेक्ट किया जाता है, कंपाइलेशन बनाई जाती है, लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर आपको अपनी पसंद के सॉन्ग को खुद से सिलेक्ट करना होता है, वो आपके लिए उसे प्ले करती है, इसलिए उसे कहा जाता है ज्यूक बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय ओटस क्रिएशन, ये पूछते हैं ब्रो ट्रिपलेट फ्लो प्लीज। सो ओटल ट्रिपलेट फ्लो ना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसको मैं भी अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ, और क्योंकि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूँगा जब तक कि मैं खुद ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ, बट जितना मेरे को अंडरस्टैंडिंग है इसमें बेसिकली ये होता है कि एक बीट पे जब 3 नोट्स आप डिफरेंट यूज़ करते हैं तो उसे ट्रिपलेट फ्लो कहा जाता है। अगर इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, गुच गैंग गुच गैंग गुच गैंग गुच गैंग, अगर आप ये गाना सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये सॉन्ग बाकी सॉन्ग से काफ़ी डिफरेंट है, और ये डिफरेंट इसलिए क्योंकि ट्रिपलेट फॉर्म पे चलता है, पांडा 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 पांडा। अगर आप ये सॉन्ग सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये सॉन्ग भी काफ़ी डिफरेंट है बाकी सॉन्ग से, स्टडी कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा, गाना सुन के ही आपको पता चल जाएगा ट्रिपलेट फ्लो क्या होता है। डी वैदिक, ये पूछते हैं हाउ टू बिकम A&R मैनेजर। A&R मैनेजर बनना बहुत मुश्किल है हिंदुस्तान में, अगर आप बात करो तो मुश्किल से 10 या 12 A&R मैनेजर होंगे, मैं भी उनमें से एक A&R मैनेजर हूँ। A&R मैनेजर क्या होता है? आर्टिस्ट एंड रिपोर्टेड मैनेजर, जो कि किसी भी लेबल के लिए ये देखता है कि कौन सा आर्टिस्ट उस लेबल के लिए परफेक्टली फिट है और किस तरह का उसका रेपर्टेयर या उसका कंटेंट या उसका कैटलॉग होना चाहिए, उसका म्यूज़िक होना चाहिए। इसको बनने के लिए, A&R मैनेजर बनने के लिए आपको म्यूज़िक की सेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या है,
वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स क्या हो रहा है म्यूजिकली, इंडिया में क्या हो रहा है, लोकल मार्केट में क्या हो रहा है, रीजनल मार्केट में क्या हो रहा है, और साथ ही साथ जो आपको चाहिए वो चाहिए गुड ईयर्स। आपको अच्छे गाने और बुरे गाने का फ़र्क पता करना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस से आता है। किलर हाइप्स, सर हाउ टू कॉपीराइट अवर म्यूजिक फॉर फ्री, आई कांट अफोर्ड द वेबसाइट फीस एंड फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। बहुत सिंपल सा तरीका है यार, जब भी आप किसी को अपना गाना भेजो या अपने आप अपने रैप सॉन्ग भेजो तो कोशिश करो कि उसको किसी उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भेजो। अगर आपने बीट भी बनाई है तो वो भी आप उसे भेज सकते हो। जैसे ही आप उसे भेज देते हो वैसे ही वो गाना लीगली आपका कंसिडर किया जाएगा। सिंपल, अगर आपको कॉपीराइट नहीं भी करना, दिस इज सिंपल फॉर्मेट जो कि एक्सेप्टेड है इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में। सो गाइज, जो लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा है राइमर ऑफिशियल राहुल रॉय अबू बेकर सिद्दीक। ये पूछते हैं कि हमारा सॉन्ग रेडी है और हमें अपने सॉन्ग को स्पॉटिफाई एप्पल म्यूजिक जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लाइव करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे हो सकता है? तो गाइज, यहाँ पर मेरा सिंपल सा आपको सजेशन यही है कि अगर आपके पास फैन बेस है, आपको पता है आपके पास ऑडियंस है, काफ़ी अच्छी ऑडियंस है, तभी आप डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएँ। क्योंकि जितनी भी सर्विसेज है, चाहे वो ट्यून कोर हो चाहे वो डिस्ट्रो किड हो, ये पेड सर्विसेज हैं। इसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं अपने सॉन्ग को लाइव करने के लिए, और अगर आपने लाइव करने के बाद भी आपके पास अगर वहाँ पे प्लेस नहीं होते, आपके पास ऑडियंस नहीं है, तो वो पैसे आपके वेस्ट जाने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने सॉन्ग को यूट्यूब पर पॉपुलर करें, सोशल मीडिया पर पॉपुलर करें। सो गाइज, जब आपके पास आपका खुद का एक डिसेंट लॉयल फैन बेस एक्यूमुलेट हो जाए, उसके बाद ही आप डिस्ट्रोकिड या फिर ट्यूनकोर की सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि ये पेड सर्विसेज हैं। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूं, मैं काफ़ी टाइम से इसे स्टडी कर रहा था, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, डिस्ट्रोकिड ऑप्ट करना चाहिए या फिर ट्यूनकोर करना चाहिए, या फिर इंडिया की लोकल भी ऐसी बहुत सारे एग्रीगेटर्स हैं जिनके थ्रू आप अपने सॉन्ग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो स्पॉटिफाई एप्पल म्यूजिक के अलावा सावन गाना पे भी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। 20-25 क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ, ये बहुत लेंथी वीडियो बनने वाली है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी और आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ है, कोई वैल्यू एडिशन हुई है, कोई हेल्प हुई है, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। इट्स योर बॉय सुल्तान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप। टिल देन लव एंड पीस। सॉरी, दूसरा चैनल भी ऑलरेडी अप है, लाइव है, सुपर बॉय, जाके उसको भी सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीस।